इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन में वैज्ञानिकों की टीम में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के रहने वाले वैज्ञानिक आशुतोष भी शामिल रहे, जो मिशन को सफल बनाने के लिए घंटों मेहनत करता था। उस पर मुजफ्फरपुर बिहार ही नहीं पूरे देश को गर्व है। उसकी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई। उसने बीबी कॉलेजिएट से 10वीं की, जिसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ा और भागलपुर से बीटेक किया, जिसके बाद उसने संघर्ष किया और इसी वर्ष जनवरी में उसका सहायक वैज्ञानिक के तौर पर चयन हुआ। जानकारी मिलते ही लोग घर में बधाइयां देने आ रहे हैं। माता पिता काफी खुश हैं। माता पिता का कहना है कि बचपन से ही काफी मेहनती था, पढ़ाई में काफी मन लगता था, कुछ नया करने का जुनून था। 5 बहनें हैं, काफी गरीबी से परिवार गुजरा है। सबसे छोटा आशुतोष ही है जिसने कमाल कर दिया। खुशी है बेटे ने तो आज कमाल किया, क्या कमाल किया है? ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि चंद्रयान में हमारे बेटे को मौका मिला काम करने का, चंद्रयान 3 में काम करने का मौका मिला। वो यहीं से पढ़ाई किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद लेटरल एंट्री से वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई किया और उसके बाद उसकी नौकरी हो गई। 18 जनवरी को वो इसरो ज्वाइन किया श्रीहरिकोटा में, और वहीं पर है और वहीं पर काम कर रहा है। अपार खुशी है कि चंद्रयान में काम करने का उसको मौका मिला है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। और शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर शांति निकेतन से हुआ, उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा पास वहीं से किया, उसके बाद वो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई, सारी पढ़ाई उसकी सरकारी स्कूल से। काफ़ी मुश्किल में रहना पड़ता जी, काफ़ी मुश्किल में था, काफ़ी गरीबी झेला है और इस गरीबी में वो मेहनत करके आगे बढ़ा, तो इससे अपार खुशी और क्या हो सकता। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार सिंह। बेटे का नाम? आशुतोष कुमार। बेटे ने तो कमाल कर दिया, बहुत खुशी है बेटे ने। तो पहले तो 5 लड़की है, लड़की सबको पढ़ाना लिखाना, उसके बाद सबसे लास्ट है वो। रहने में तो कष्ट हुआ लेकिन हाँ पढ़ लिया, पढ़ के आज अच्छा किया तो खुशी तो है, काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी है, खुशी परिवार में। बहुत दुख से, बहुत कष्ट से पढ़ा लेकिन पढ़ लिया, तो आज जॉब में चला गया तो खुशी तो है, सब आदमी को खुशी है।